अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बादशाह टेक। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए कार्टून थंबनेल कैसे बना सकते हैं। उसका नेम, उस एप्लीकेशन का नेम मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा और कुछ लोगों को पता भी होगा। तो सबसे पहले आपने जाना है प्लस वाले आइकन पर। प्लस वाले आइकन पे आपने बताना है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। इससे आप सब कुछ बना सकते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं, मोबाइल वीडियो बना सकते हैं, फ़ोन वॉलपेपर, कुछ भी। तो मैं यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहता हूँ। ये एप्लीकेशन आपका डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरनेट से चलता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी मोबाइल स्पीड पे, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे। ये देखें, बहुत से थंबनेल्स आ चुके हैं। देखें कितने अच्छे थंबनेल्स हैं और हर किस्म के थंबनेल यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई सा एक थंबनेल आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ये देखें, सपोज़ मैंने ये थंबनेल सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने इस थंबनेल पे क्लिक कर दी है, ठीक है। और मैं तो कार्टून करेक्टर आपको समझाने जा रहा हूँ, वो आपने कैसे लगाने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप भी कर देता हूँ, हाउ टू ऐड कार्टून्स, या हाउ टू मेक कार्टून थंबनेल, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैं बैक वाले ऑप्शन पे प्रेस किया और जो ऊपर लिखा हुआ था ना, उसको मैं ज़रा ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से जाके। और किधर आ रहा है, इसको कट कर देते हैं और इसको ज़रा, ये जो गेम वाला ऑप्शन है इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं हम। इसको डिलीट कर दिया और इसको ज़रा हम ऊपर ले आएंगे। चले तो आप फॉन्ट में जाते हैं। इस फॉन्ट का नाम क्या है? ये फॉन्ट काफ़ी अच्छा है, इसका नाम है ईडो, EDO, ठीक है। तो अब इस फॉन्ट का साइज़ हम कम करेंगे ताकि वो इस पे फिट आ जाए। तो ये यानी कि ऐसे हमने कर लिया, ठीक है। हाउ टू ऐड, हाउ टू मेक कार्टून थंबनेल, ऐड जो है इसको भी हम रिमूव करेंगे। तो चले ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करने जा रहे हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि कार्टून करेक्टर यहाँ से आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लें, अफेक्ट्स भी आप लेके आ सकते हैं। शेडो इफेक्ट ले आए, लिफ्ट ले हैं, ठीक है। ये लिफ्ट वाला आई थिंक सही है, ये हॉलो भी आ सकता है, तो लिफ्ट वाला ठीक है, वो वाजे हो गया। इसके बाद आपने फिर क्या करना है, सैड लॉय। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर प्लस वाले आइकन पे जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद आपने कहाँ जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करते रहना है। यहाँ पे चार्ट्स, टेबल्स, फ्रेम्स, ग्रिड्स आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपने वो ढूंढना है, तो नीचे जाएं कलेक्शंस में, ठीक है। कलेक्शंस में ये देखें, फ्रेंडली 3D टीचर्स ये पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखें तो आप ये कार्टून यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़रा थंबनेल आपका अट्रैक्टिव लगता है। मैं यहाँ पे ये ऐड करूँगा और इस टेक्स्ट को ज़रा इधर ले आते हैं। इधर आ जाओ, इधर, ठीक है। और इसको ज़रा इधर में ले आए, इसको ज़रा और छोटा कर लेते हैं,
ये इधर आ गया। उसके बाद देखें फिर ऐड पे गए और फिर ये वाला थंबनेल क्या कहते हैं कार्टून करेक्टर ये मैं लेके आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इसके बाद एक और भी लगा देते हैं, चलें कौन सा लगाएं, ये वाला लगा देते हैं। ठीक है, तो आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं ज़रा यहाँ पे ऐसे, तो ये काफ़ी थंबनेल अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है और इससे आपकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। तो अब ये क्या करता हूँ, मैं ज़रा कलर चेंज करना चाहता हूँ, जो मैंने लिखा था ना उसका कलर मैं ज़रा चेंज कर दूँ ताकि वो वाज़े हो जाए। ठीक है, आई थिंक मैंने इसको येलो कर दिया है। अब क्या करूँगा, मैं इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूँ, फॉर्मेट नहीं मैंने चेंज करना, अफेक्ट्स किधर है, अफेक्ट्स इको भी लेके आ सकते हैं, ग्लिच भी, नियॉन इफेक्ट भी आप लेके आ सकते हैं और बैकग्राउंड वाला भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यही लिफ्ट वाला ठीक है, इसकी इंटेंसिटी ज़रा ज़्यादा कर दें, ये फुल कर देते हैं ऐसे। अब मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है, यानी कि ये डाउनलोड वाला नहीं है, तो इसका एक और हल है कि कुछ थंबनेल होते हैं जो वो डाउनलोड नहीं करने देता और उसके वो आपको पे करना पड़ता है उसके लिए। देखना मैं आपको यही थंबनेल लगा के दिखाऊंगा, ये मैं आपको यही थंबनेल लगा के दिखाऊंगा और इसको ज़रा जूम करके इसका स्क्रीनशॉट बना लिया मैंने। चलें अब हमारा काम ख़त्म हो गया। ये जो ऐप थी, एप्लीकेशन थी, इसका नाम था कैनवा। ठीक है, ये बहुत ही कमाल एप्लीकेशन है। अच्छा, कुछ थंबनेल्स होते हैं जो वो आपको ऐड नहीं करने देता, तो वो भी पेड थंबनेल था जो हम यूज़ करी जा रहे थे, पेज वही था। तो उसके बाद मैं अब क्या करूँगा, पिक्सल लैब में जाऊँगा क्योंकि मैंने तो यही थंबनेल यूज़ करना है। तो इधर मैं गया फ्रॉम गैलरी, अभी बना लेते हैं हमने क्योंकि वही थंबनेल यूज़ करना है। ये मैंने सिलेक्ट किया 16:9 इतनी की, और इसको मैंने सेव कर देना है। ठीक है, अब ये मेरी गैलरी में सेव हो जाएगा और यही थंबनेल मैं इस वीडियो के थंबनेल पे यूज़ करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद बादशाह टेक फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।